तो अभी हम बात करने वाले हैं रेड हेड के बारे में। रेड हेड क्या है? रेड हेड एक हमारा लाइनर, एक हमारा ये ऑपरेटिंग सिस्टम भी है, और इसमें हमें एक कोर्स करना होता है जिसका नाम है RHCSA, ठीक है, रेड हेड सर्टिफाइड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर जिसे बोलते हैं, यानी रेड हैट आपका एक कोर्स है। इसमें हमें RHCSA कोर्स कंप्लीट करने होते हैं, और एक तरह का ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। रेड हैट क्या आपका एक लाइनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे आप लाइनक्स में देखते हैं कि लाइनक्स में आपके बहुत सारे आपको ऑपरेटिंग सिस्टम मिल जाते हैं। लाइनक्स में क्या क्या आपको ऑपरेटिंग सिस्टम मिल जाते हैं, अगर बात करें तो काली लाइनक्स मिल जाता है आपको, उबंटू मिल जाता है, उबंटू आपके मिल जाते हैं। इसके अलावा क्या है आपके, ब्लैक आर्च है, पायरेट ऑपरेटिंग सिस्टम है, पायरेट है, एंड आपके बहुत सारे इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं। आपके लाइनक्स में ऑलमोस्ट आपके, अगर पूरे लाइनक्स की बात करें टोटल ऑपरेटिंग सिस्टम कितने हैं, तो लाइनक्स बेस पे पूरे आपके 600 के समथिंग में आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी टोटल लाइनक्स की बात करें तो 600 ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं इसके अंदर, जिसमें आपके 500 तो ऑपरेटिंग सिस्टम ऑलरेडी वर्किंग में है, 100 जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है ऑलरेडी उस पर वर्क चल रहे हैं, उस पर काम चल रही है, और वो भी बहुत ज्यादा आपके मार्केट में आ जाएंगे, राइट। तो इसमें हम लोग कवर करने वाले हैं RHCSA, यानी हम लोग इसमें रेड हैट पढ़ेंगे, लेकिन रेड हैट में जो सर्टिफिकेशन होता है उसका नाम है RHCSA। उसका नाम क्या है? RHCSA। तो जब भी रेड हैट आपको कंप्लीट करना होगा तो आपको RHCSA कोर्स करना होता है। इसमें आपको दो कोर्स होते हैं, RHCSA होता है आपका, एंड आपका दूसरा जो होता है इसका नाम है RHCE। इसको बोलते हैं रेड हैट सर्टिफाइड इंजीनियर। तो आपके इसमें सर्टिफिकेशन होते हैं RHCSA और RHCE। अगर आपको RHCSA सर्टिफिकेशन लेना है कंप्लीट करने है, मैं अभी इसका फुल नेम भी देता हूँ, लिख देता हूँ यहाँ पे, रेड हैट सर्टिफाइड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, जो पूरा नाम है वो है रेड हैट सर्टिफाइड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। अगर ये सर्टिफिकेशन आपको कंप्लीट करना है, यानी आप चाहते हैं कि आप RHCSA सर्टिफाइड हो जाएं, क्योंकि कंपनी में जहां भी देखेंगे ना, जैसे आप विंडोज सर्वर पढ़ते हैं, अभी विंडोज सर्वर जो आपके MCSA जो इसमें सर्टिफिकेशन होता था, MCSA माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर जो आपके सर्टिफिकेशन होते थे, वो अभी माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया, एक्सपायर कर दिया, कैंसिल कर दिया है। बट ऐसा नहीं है कि MCSA आपको नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि MCSA मस्ट है। अभी जो आपके माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया है, एज्योर डायरेक्ट क्लाउड बेस्ड का सर्टिफिकेशन उसने लॉन्च किया है, Azure 900, Azure 104। बट विदाउट सीसीएन ने आपको Azure 900 या Azure 104 आपको क्लियर नहीं हो पाएंगे, क्योंकि कंटेंट टॉपिक सभी सेम है, क्योंकि क्लाउड पे हमें वही काम करने होते हैं, राइट। तो हर एक कंपनी के अंदर आपको दो सर्वर मिल जाएंगे, नहीं तो आपको विंडोज सर्वर मिलेगा, नहीं तो आपको रेड हैट सर्वर मिलेगा। तो आप देखेंगे रेड हैट सर्वर में जो इंजीनियर होते हैं, जो रेड हैट सर्वर इंजीनियर होते हैं, उनकी सैलरी कभी भी प्लस होती है कंपेरिजन जो विंडोज सर्वर के जो इंजीनियर होते हैं। और ज्यादातर कंपनियां अभी प्रेफर कर रही हैं रेड हैट सर्वर को, ना कि विंडोज सर्वर। अगर आपके कंपनी के अंदर 10 सर्वर लगे हुए हैं तो ऑलमोस्ट 5 या 6 सर्वर आपके रेड हैट सर्वर रहेंगे। यहां तक कि जो आप एजोर देख रहे हैं, AWS, उसके बेस पे पूरे आपके लाइनक्स ही है। यानी जब आप एजोर अगर पढ़ेंगे तो उसमें पूरे लाइनक्स बेस पे ही है। यहां तक कि जब हम सीसीएनए करेंगे, सीसीएनए जब हम राउटर स्विचिंग को कॉन्फ़िगरेशन करा देखेंगे, तो जो उसमें सीआरआई बेस है वो पूरा रेड हैट बेस पे है, पूरे कमांड बेस पे है।
इसलिए रेडिट बहुत पॉपुलर होता जा रहा है और ज्यादातर इसकी डिमांड हो रही है। तो रेड हैट मोस्ट है पढ़ना और इसको अच्छे से समझना, राइट। तो इस रेड हैट को कंप्लीट करने के लिए कुछ सर्टिफिकेशन को आपको कंप्लीट करना होते हैं। तो जब आप रेड हैट के लिए आप जब एग्जाम देने जाएंगे तो वहां पे दो एग्जाम आपको देने होते हैं। एग्जाम कोड क्या होते हैं, जैसे सीसीएनए में देखा था हमने, सीसीएनए 200 301 है, वैसे सेम आपके रेड हैट के अंदर भी एग्जाम कोड होते हैं जो कि है RH124, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं SA1। एंड सेकेंड आपको इसमें होगा RH134, जिसको हम लोग बोलते हैं SA2। ये आपके दो एग्जाम होते हैं जब आप रेड हैट के लिए एग्जाम जब आप देने जाते हैं, तो ये दो पेपर आपको वहां पे देने होते हैं। आफ्टर कंप्लीट RH124 एंड RH134, आप रेड हैट सर्टिफाइड हो जाते हैं, रेड हैट सर्टिफिकेशन आपको मिल जाता है। जो RSCSA का जो आपका सर्टिफिकेशन कोड है RSCSA, वो है आपका EX EX 200। यानी जब आप RSCSA जब आप एग्जाम देने जाएंगे, जब आप RSCSA की तैयारी कर लेंगे, जब एज आप इसकी एग्जाम देने जाएंगे, तो आपको दो ये पेपर देने होंगे, SA1 एंड SA2। तो इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, आपको किस तरह के क्वेश्चन मिलते हैं, कितनी टाइमिंग होती है, टोटल मार्क्स कितने होते हैं, पासिंग मार्क्स कितने होते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। जब आप RSCSA का एग्जाम देने जाएंगे, जो इसकी टाइम ड्यूरेशन होती है, जो इसके ड्यूरेशन होते हैं, जो आपको समय मिलता है एग्जाम देने के लिए, वो होते हैं 3 आवर्स। ड्यूरेशन क्या होते हैं आपके, 3 आवर्स। यानी जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो आपको टोटल जो टाइमिंग मिलेगा वो आपको 3 आवर्स का मिलेगा, यानी 3 घंटे आपको समय मिलेंगे एग्जाम देने के लिए, राइट। एंड इसके अलावा क्वेश्चन टाइप कैसे मिलेंगे आपको, इसमें तो हम बात करते हैं क्वेश्चन टाइप की। तो जो इसमें आपके क्वेश्चन टाइप होंगे वो फुल्ली क्या होंगे, प्रैक्टिकल बेस्ड होंगे। प्रैक्टिकल बेस पे होंगे, यानी जो भी आपसे क्वेश्चन होंगे फुल्ली प्रैक्टिकली होंगे, आपको कोई थियरी देखने को नहीं मिलेगा, टोटली कमांड बेस पे, टोटली प्रैक्टिकल होंगे। कि ज्यादातर लोग यही फेल हो जाते हैं, उन्हें कमांड दिया जाता है, उनको एग्जीक्यूट करके दिखाना होता है, बट वो नहीं कर पाते, नहीं कर पाते तो फेल हो जाते हैं, राइट। और RSCSA के भी लिए भी आपको जब एग्जाम देने होते हैं तो आपको इनके साइट पे जाके, RSCSA के साइट पे जाके आपको वहाँ पे अप्लाई करना होता है और उसकी फी को पे करके आपको एग्जाम देने होते हैं। अभी समथिंग आपके 18,000 के समथिंग आपके प्राइस है, कोर्स फीस है इसका, केवल एग्जाम फीस है वो, कोर्स फीस नहीं है, आपको ट्रेनिंग अलग से लेनी पड़ती है। एग्जाम फीस आपके 18,000 समथिंग में है, प्लस 18% GST, और ये कोई फिक्स रेट नहीं है, फिक्स कोई ये आपकी फी नहीं है, ये डॉलर के अकॉर्डिंग अप एंड डाउन होते रहते हैं। अगर डॉलर का प्राइस हाई होगा तो इसके भी प्राइस हाई होगी, क्योंकि जो रेड हैट है ये अमेरिकन कंपनी है और जो इसका एग्जाम कंडक्ट करता है वो अमेरिका ही करता है, तो इस पे डॉलर पे आपको पे करने होते हैं। तो आप इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करेंगे तो समथिंग 18,000 के अप्रोक्स आते हैं, प्लस 18% GST। एंड अगर डॉलर के प्राइस हाई होते हैं तो ये अमाउंट आपको हाई देखने को मिलेगा, राइट। अगर टोटल क्वेश्चन की बात करें तो इसमें टोटल क्वेश्चन कितने होते हैं आपके, टोटल क्वेश्चन जिसमें टोटल क्वेश्चन आपके होंगे वो आपके 20 या 22, यानी 20 से 22 क्वेश्चन बस आपके इसके रहेंगे। यानी 3 आवर्स में आपको 20 क्वेश्चन हो सकते हैं या 21, अप्रोक्स आपको यही क्वेश्चन मिलेंगे 20 से लेके 22 के बीच में।
कभी कभी 20 भी मिलते हैं, कभी कभी 21 या 22 भी मिलते हैं। तो 22 22 के बीच में आपको आपको ये टोटल क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन फुल्ली प्रैक्टिकल बेस रहेंगे, पूरा आपको प्रैक्टिकली कंसेप्ट क्लियर करने होते हैं, ना कि कोई थियरी आपको यहाँ पे लिखना होता है। अब हम बात करें टोटल मार्क्स जब पासिंग के लिए क्या चाहिए। टोटल मार्क्स की बात करें तो इसमें आपको जो टोटल मार्क्स होते हैं वो 300 के होते हैं, और जो आपके लिए पासिंग चाहिए वो आपको 210 नंबर आपको कंपल्सरी लाना पास होने के लिए। अगर इससे आप कम लाते हैं तो आप एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाएंगे, आप उसको कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो एज ए न्यू पर्सन होते हैं, कभी एक्सपीरियंस नहीं होता है एग्जाम करने का, या प्रैक्टिकली जब इसको नहीं करोगे आप, रेड हैट क्या है, पूरे प्रैक्टिकली बेस है आपका, आरएसएस से जो भी आपके कंसेप्ट है पूरे प्रैक्टिकली बेस है, और इसे एग्जाम भी इसीलिए प्रैक्टिकली बेस पे ही होते हैं। अगर आपको प्रैक्टिकली कंसेप्ट क्लियर नहीं है, आपको कमांड याद नहीं है, आप कमांड को एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं, तो डेफिनेटली आप एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाएंगे। अगर आप प्रैक्टिकली करते हैं, कमांड को एग्जीक्यूट कर पाते हैं, कमांड आपको सभी याद है, तो 100% श्योर कि आप इस एग्जाम को इजीली क्रैक कर पाएंगे, क्योंकि बहुत कम क्वेश्चन थे, ज्यादा क्वेश्चन नहीं होते हैं आपके, और सभी कमांड को एग्जीक्यूट करके आपको कंप्लीट करने होते हैं। राइट, तो ये होते हैं आपके आरएससीएस से जब आप एग्जाम देने जाते हैं तो आपको ये सभी चीजें कंप्लीट करनी होती है। अब हम बात करते हैं आरएससीई। अगर आप आरएससीएस से कंप्लीट कर लेते हैं, अब आप सोचते हैं कि हमें आरएससीई करना है, जैसे हमने बात किया था ना कि सीसीएनए करने के बाद सीसीएनपी करते हैं, सीसीआई करते हैं, सेम लाइक आरएससीएस से करें मतलब हम आरएससीई पे जाते हैं, बट अभी आरएससीई के अंदर टोटल चीजें चेंज कर दी गई है। पहले हमारे आरएससीई के अंदर पुलिस सर्वर बेस पे हमारे एग्जाम होते थे, और पूरे हमें सर्वर को पढ़ना होता था, जैसे कि आपके इसके अंदर सांबा सर्वर आते थे, अपाची सर्वर आता था आपका, प्रॉक्सी सर्वर आता था आपका, राइट, और भी बहुत सारे सर्वर थे आपके, डीएनएस सर्वर थे, तो ये सभी सर्वर आपको पढ़ने पड़ते थे। बट अभी के लिए सभी चीजें चेंज हो गई हैं, क्योंकि ज्यादातर कंपनियां जो है वो क्लाउड पे मूव कर गई हैं, तो इसमें भी आपके कुछ क्लाउड के फीचर देखने को मिलेंगे। तो जो इसका एग्जाम कोड होता है वो होता है आपका RH 294। ये आपको एग्जाम कोड देना होता है, और एग्जाम किस पे होते हैं, फुल्ली एंसिबल, राइट, यानी ये पूरे आपके क्लाउड बेस पे है, यानी पूरे इसमें आपको एंसिबल ऑटोमेशन पढ़ना है। यानी जो भी आपके एग्जाम होंगे वो पूरे एंसिबल ऑटोमेशन पे रहेंगे, ना कि कोई इसके अंदर सर्वर आपको पढ़ना होगा। पहले इसके अंदर हम लोग सर्वर पढ़ते थे, बट अभी इसके अंदर हम लोग पूरे एंसिबल को पढ़ेंगे, ऑटोमेशन को पढ़ेंगे। अब बात करते हैं इसकी ड्यूरेशन की। अगर आप आरएससीई कोर्स कंप्लीट करने के बाद आप चाहते हैं सर्टिफिकेशन लेना एग्जाम देने के लिए, तो इसकी जो ड्यूरेशन होती है, इसकी जो ड्यूरेशन होगी वो होगी 4 आवर। इसकी जो टाइम ड्यूरेशन होगी वो आपको आरएससीए के कंपैरिजन, आरएससीए के कंपैरिजन आपको 1 आवर एक्स्ट्रा मिलेगा। और इसमें अगर आप क्वेश्चन टाइप की बात करें तो इसमें भी फुल्ली आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन होते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन। अगर टोटल क्वेश्चन की बात करें इसमें तो टोटल क्वेश्चन आपके होते हैं वो होते हैं आपके 15 to 17।
यानी 15 से लेकर 17 क्वेश्चन आपके हो सकते हैं, इससे प्लस नहीं होंगे आपके, ठीक है। यानी जब आप आरएससी को एग्जाम देने जाएंगे तो वहां पे आपको 15 से 17 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जो ये भी फुली प्रैक्टिकली बेस पे होंगे। इसमें भी आपको थ्योरी कंसेप्ट देखने को नहीं मिलेगा, थ्योरी पढ़ने को नहीं मिलेगा, या थ्योरी में आंसर देने के लिए नहीं मिलेगा, फुल्ली प्रैक्टिकली। टोटल मार्क्स इसका सेम है, टोटल मार्क्स की बात करें तो इसमें आपके टोटल मार्क्स 300 के भी होते हैं आपके, और इसको भी पास करने के लिए आपको 210 नंबर आपको लाने पड़ते हैं, 210, तब जाके आप आरएससी एग्जाम बिजली क्लिक कर पाएंगे। ठीक है, बट कोई नहीं, हम लोग यहाँ पे दो चीजें कवर करेंगे। हम लोग कुछ एडवांस लेवल तक देखेंगे, हम लोग आरएससीएस से कंप्लीट करने के बाद हम लोग कुछ सर्वर कॉन्फ़िगरेशन भी देखेंगे। आरएससी पे हम लोग नहीं जाएंगे, बट लाइनेक्स में जो हमारे और एडवांस हो सकते हैं, लाइक कि आपको कुछ सर्वर कॉन्फ़िगरेशन करना है, जैसे कि आपको अपने लाइनेक्स के अंदर डीएससीपी कॉन्फ़िगर करना है, डीएससीपी सर्वर, एंड डीएनएस सर्वर, सांबा सर्वर आपका हो गया, सांबा सर्वर, अपाचे सर्वर हो गया आपका, निक टीमिंग हो गया आपका इसमें, ठीक है। ये सभी चीजें हम देखेंगे, निक टीमिंग, डीएससीपी, डीएनएस, ये सभी आपके एमसीएस के भी टॉपिक में है, और डीएससीपी डीएनएस आपके सीसीएनए में भी है, इसीलिए मैं सीसीएनए आपके पहले स्टार्ट किया हूँ, ताकि सीसीएनए आपको अच्छे से आ जाए, जिसमें आपको सर्वर में भी कोई प्रॉब्लम ना आए। यानी अगर आप आरएससी से रिलेटेड सर्वर पढ़ रहे हैं या आप विंडोज सर्वर पढ़ रहे हैं तो भी आपको कोई डाउट ना आए, कोई प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि नेटवर्किंग मस्ट है, नेटवर्किंग आपको आने ही आने। अगर आप विंडोज सर्वर पढ़ रहे हैं या रेडहैट सर्वर पढ़ रहे हैं तो आपको नेटवर्किंग आने ही आने है, अगर नहीं आएगा तो आपको दिक्कत होगी, आपको प्रॉब्लम होगी इस चीज को क्लियर करने में। तो हम लोग यहाँ पे रेडहैट जो हमारे कोर्स है, जो लाइनेक्स हमारे बेसिक टू एडवांस कोर्स है, उसमें हम लोग सर्वर कॉन्फ़िगरेशन भी देखेंगे, यानी सर्वर कॉन्फ़िगर भी करके हम लोग उसमें देखने वाले हैं और पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आपको फर्स्ट में यही कहूंगा कि प्लीज आप लोग रेड हैट के जो आपके आईएसओ इमेज हैं, रेड हैट आईएसओ इमेज, इसको प्लीज आप डाउनलोड कर लेंगे, इसको आपको डाउनलोड करना है, और लेटेस्ट वर्जन आपको करना है, जो भी लेटेस्ट चल रहे हैं हमारे वर्जन 9, लेटेस्ट क्या चल रहे हैं आपके आरएचईएल वर्जन 9 आपके अभी लेटेस्ट में चल रहे हैं, वर्जन 9, इसको आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के लिए सिंपली क्या करना है, आपको ब्राउजर पे जाना है और ये आपका ब्राउजर है, यहाँ पे सर्च करना रेड हैट, या आप डायरेक्ट लिख सकते हैं आरएच आईएस डाउनलोड, ठीक है। इसको आप ओपन करेंगे, फर्स्ट वन ऑप्शन, और यहाँ पे आपको कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन देना होता है। मैं कहूँगा पहले फर्स्ट आप साइन इन कर लीजिएगा, या डाउनलोड पे क्लिक करेंगे डाउनलोड हो जाएगा, बट आप पहले साइन इन कर लीजिएगा इसे, साइन इन करने के बाद ही आप प्लीज डाउनलोड करिएगा इसे, ठीक है। यहाँ पे आपको वर्जन मिल जाएगा 9.4 का, डाउनलोड आईएसओ पे क्लिक करेंगे डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। बट आपको एक छोटा सा अपना अकाउंट यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे रजिस्टर रेडेट पे क्लिक करके आप रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्टर करने के बाद आपको लेटेस्ट वर्जन को डाउनलोड करना है, जो अभी वर्जन 9 चल रहे हैं आपके, ठीक है। तो यहाँ पे आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन देनी है, लाइक यहाँ पे आपके रेडेट लॉगिन आईडी देना है, यहाँ पे एक छोटा सा आईडी क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ पे पासवर्ड देना है, एंड यहाँ पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर एंड जॉब, आप किस फील्ड में जॉब कर रहे हैं, क्या आपको यूज करना है,
ठीक है, जहाँ पे कोई भी आईटी इंडस्ट्री या स्टूडेंट उसमें ले सकते हैं। आई थिंक स्टूडेंट इसमें नहीं दिया होगा, दिया हुआ राइट, स्टूडेंट आप सेलेक्ट कर लेंगे। कंपनी नेम कुछ भी डाल दीजिए, या आप हमारे कंपनी का नेम डाल सकते हैं आप, isaninfo.com, एड्रेस दे देना आपको यहाँ पे, पर्सनल कोड, सिटी राइट, सभी चीज़ आप मेंशन करने के बाद एक्सेप्ट करने के बाद कंटिन्यू कर देंगे तो आपके अकाउंट एक क्रिएट हो जाएंगे और इजीली आप यहाँ पे लॉग इन करके इसको डाउनलोड कर पाएंगे। डाउनलोड में जब जाएंगे तो आपको वहाँ पे दो ऑप्शन मिलेंगे डाउनलोड करने के लिए, इसमें आपको RHEL वर्जन 9 में मिल जाएगा आपको एक, इसमें आपको मिल जाएगा बूट, और अगेन इसमें आपको RHEL वर्जन 9 के अंदर मिल जाएगा आपको DVD। तो DVD को आपको डाउनलोड करना है, बूट को डाउनलोड नहीं करना है। ये समथिंग आपके 10 GB के समथिंग में आएगा, 10 GB, 10 पॉइंट प्लस ही आएगा, 10 पॉइंट आई थिंक 3 GB के समथिंग में आपका आएगा ISO इमेज, इसको आपको डाउनलोड करना है ठीक है, जो कि नॉर्मली आप ब्राउजर पर जाएंगे सर्च करके यहाँ पे डाउनलोड कर पाएंगे। छोटा सा अकाउंट बस क्रिएट करेंगे और यहाँ पे क्लिक कर लेंगे ठीक है, क्योंकि अभी जस्ट यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड नहीं होगा, बोलेगा पहले आप अकाउंट क्रिएट करिए यानी रजिस्टर करिए, फिर आप अकाउंट को क्रिएट कर पाएंगे और एक्सेस कर पाएंगे। मेरे पास अकाउंट है, लेट मी शो यू। अगर आपको इश्यू होगा तो प्लीज आप हमें बता दीजिएगा, मैं ड्राइव पे अपलोड करके आपको मैं सेंड कर दूंगा अगर आप अकाउंट क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं। बट एज ए IT इंजीनियर आपको तो इतना आना चाहिए अकाउंट क्रिएट करना, अपना किसी भी प्रोफाइल पे अकाउंट आप क्रिएट कर सकें किसी भी लोकेशन पे। बट अगर आप नहीं कर पाएंगे तो भी आप प्लीज बता देंगे हमें, तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा किसी ड्राइव पे अपलोड करके आपको मैं सेंड कर दूंगा ठीक है। अकाउंट एक बार क्रिएट कर लेंगे दोबारा आपसे नहीं बोलेगा क्रिएट करने के लिए, एक ही बार आपको क्रिएट करना है और उसे लॉग इन कर लेना है ठीक है। या फिर अगर आप देखेंगे यहाँ पे रेड है ISO डाउनलोड, तो आप दो तीन ऑप्शन ओपन कर लेंगे। कई सारे वेबसाइट ऐसे हैं जो कि आपको डायरेक्टली आपको प्रोवाइड करते हैं वो, तो डायरेक्टली भी अगर आपको मिल जाए तो आप प्लीज डाउनलोड कर लीजिएगा। बट मैं यही कहूँगा जब भी कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है आपको अपने PC के अंदर तो आप जेन्युइन साइट से करें जिससे कोई रिस्क नहीं रहेगी। कहीं भी आप क्लिक करें ज़्यादातर आपको रेड हैट के साइट पर जाने पड़ेंगे, रेड हैट के साइट से ही आपको मिलेंगे ठीक है, तो आपको वहाँ से लेना है। बट पुराने वर्जन पर ले रहा है 8.4 ये सब नहीं लेंगे, जो लेटेस्ट में चल रहा है लेटेस्ट में हम लोग देखेंगे ठीक है। लेटेस्ट में जो आपके A to Z पे चाहिए यहाँ से आपको मिल जाएगा रेड हैट ISO। यहाँ भी आपको मिल जाएगा, देखिए आपका ये मैं लिंक सेंड कर दूंगा आप लोग को ग्रुप में ठीक है, इस लिंक को मैं आपको सेंड कर दूंगा डाउनलोड करने के लिए। आपको इस लिंक पे जाना है, इस लिंक पे जाएंगे आप, और इस लिंक पे जाने के बाद सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे 9.4 जो अभी चल रहा है ना DVD इसको डाउनलोड करना है, बूट ISO को नहीं करना है आपको, DVD को करना है। और ये देखिए 10.3 GB में है आपके साइज, इसको आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड पे क्लिक करिए, इजीली डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, ये स्टार्ट हो गया डाउनलोड होना। बट मैं ऑलरेडी डाउनलोड किया हूँ तो मैं डाउनलोड नहीं करूंगा आपको, मैं यहाँ से दिखा दे रहा हूँ डाउनलोड करना ठीक है। फिर हम देखेंगे कि हमारे रेड अपने सिस्टम और हमारे क्लाइंट जो हमारे हैं उसमें क्या अंतर है और कैसे काम करते हैं, तो प्लीज आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा और अकाउंट क्रिएट करना मैं आपको बताऊंगा। एंड इसके अलावा आपको एक सॉफ्टवेयर चाहिए VMware 17 आप कर लीजिएगा लेटेस्ट वर्जन। इसमें एक्चुअली क्या है, VMware कंपनी ने क्या किया, जो उसकी साइट है इससे क्या किया, उसने हटा दिया अपने सॉफ्टवेयर को, दूसरे साइट पे इसने सबमिट कर दिया है, तो वहां भी आपको एक छोटा सा अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। अगर आपसे अकाउंट क्रिएट नहीं हो पाएगा तो प्लीज हमें फिर से इन्फॉर्म कर देंगे आप, तो मैं आपको ये प्रोवाइड कर दूंगा ओके। कोई नहीं, मैं एक ड्राइव में अपलोड करके और आपको ISO इमेज एंड VMware जो आपके सॉफ्टवेयर है एंड उसके लाइसेंस की सभी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा ठीक है, आप वो इजीली वहां से डाउनलोड कर पाएंगे ठीक है। यहाँ पे अभी ऑप्शन मिल जाएगा आपको VMware, ये आपके मैक के लिए है और ये आपके विंडो के लिए है,
जैसे आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो पहले स्टार्टिंग में डाउनलोड के लिए, बट अभी आपको ये दूसरे साइट पे ले जाएगा। जस्ट बोलेगा आप यहाँ पे अपना एक छोटा सा प्रोफाइल क्रिएट करिए, फिर हम आपको डाउनलोड करने का परमिशन देंगे। बट कोई नहीं, मैं आपको सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर दूंगा, अगर आप बोलेंगे तो ग्रुप में सेंड कर दूंगा कर देंगे, या फिर गूगल ड्राइव पे अपलोड करके आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। आईओसी में तो गूगल ड्राइव से मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, पर सॉफ्टवेयर मैं सेंड कर सकता हूँ ग्रुप में, आप प्लीज वहां से डाउनलोड कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपको एक छोटा सा अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, फिर आपको डाउनलोड होने का ऑप्शन मिलेगा, नहीं तो आप डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो प्लीज आप लोग इतना वर्क कर लेंगे, अपना जो भी आईसी में रहेगा उसे डाउनलोड कर लेंगे। वीएमवेयर को अगर आप कर पाए डाउनलोड तो इजीली कर लीजिए, या फिर मैं अभी जस्ट ग्रुप में सेंड कर दे रहा हूँ उसका लाइसेंस की और उसके सेटअप फाइल को, तो प्लीज आप लोग उसे डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेंगे अपने सिस्टम के अंदर, या टुमारो मैं सेंड कर दूंगा। मैं ड्राइव पे अपलोड करके लाइनस के लिए अलग और आपके सिस्को के लिए अलग करके मैं आपको सेपरेट प्रोवाइड कर दूंगा, और इजीली आप उसे डाउनलोड करके इंस्टॉल कर पाएंगे। ठीक है, तो प्लीज आप उसे डाउनलोड कर लेंगे, डाउनलोड करेंगे तो टुमारो से ही हम लोग लैब स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, उसको मशीन क्रिएट करना, यानी वीएमवेयर के अंदर ये आपके वीएमवेयर सॉफ्टवेयर रहेंगे, इसके अंदर कैसे हम मशीन क्रिएट करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी देखेंगे तो हमारे सिस्टम के अंदर ये मशीन क्रिएटेड है रेड हैट लिनक्स यहाँ पे। तो मशीन कैसे क्रिएट करना है, क्या क्या इसमें हमें नीड पड़ती है, और किस किस ऑप्शन को यूज करके हमें इसको इंस्टॉल करना होता है, इसके अंदर क्या क्या पार्टीशन होते हैं, उसके बारे में भी जानेंगे हम। तो अगर आप डाउनलोड कर लेंगे आज तो अच्छी बात है, या फिर डे में मैं सेंड कर दूंगा, डे में आप डाउनलोड करके रख लेंगे, और टुमारो हम लोग इसको प्रैक्टिकली लैब सेटअप देखेंगे कैसे करना है, और उसके बारे में और डीपली समझेंगे। क्लियर? टर्मिनल जस्ट वेट गौरव, आई विल शो यू। जैसे आप विंडो के अंदर सीएमडी यूज करते हैं ना कमांड प्रॉम्प्ट, वैसे लिनक्स का एक फीचर है, जैसे ये विंडोज है ना आपका, विंडोज क्या एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, सेम लाइक लिनक्स भी क्या है आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, और यहाँ पे ऑप्शन मिलता है आपको सीएमडी, जिसे हम बोलते हैं कमांड प्रॉम्प्ट, राइट, ये कमांड प्रॉम्प्ट है आपका। सेम लाइक जब आप रेड हैट यूज करते हैं तो वहां पे क्या होते हैं आपके कमांड प्रॉम्प्ट में, इसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं टर्मिनल। और सीएलआई मोड क्या होते हैं, जिसमें हम केवल कमांड बेस पे काम करें, यानी टेक्स्ट बेस पे काम करें, टेक्स्ट द्वारा हम उसको इंडिकेट करें, उसको हम सीएलआई बोलते हैं। तो टर्मिनल पे जो हमारे काम है पूरे सीएलआई बेस ही होते हैं। देखो आप यहाँ पे यस करो, आप रेड हैट 8 यूज करो या 9 यूज करो, कमांड सभी सेम है। ठीक है, सभी के कमांड सेम है, यानी कि आप 8 यूज कर रहे हो या 8 पढ़ रहे हो तो 9 पे वर्क नहीं कर सकते, कर सकते। ये देखो ये टर्मिनल हमारा है, इस टर्मिनल पे, ये टर्मिनल क्या होता है, पूरे टेक्स्ट बेस आधारित होते हैं, यानी पूरे टेक्स्ट पे डिपेंड होते हैं, यानी इसमें टेक्स्ट द्वारा हम इसको ऑपरेट करते हैं। अगर हमें इसमें लिस्ट देखना है तो एलएस कर लेंगे, क्या क्या चीजें हैं लिस्ट कर लेंगे। ठीक है, फोल्डर क्रिएट करना है तो एमकेडीआईआर कर लेंगे, यहाँ पे फोल्डर का नाम दे देंगे, फोल्डर क्रिएट हो जाएगा हमारा। एलएस करके देख लो आप, यहाँ पे एएस के नाम से फोल्डर आ गया। ये पूरे टेक्स्ट बेस आधारित होते हैं, इसको हम लोग टर्मिनल बोलते हैं, यानी इसी पे हम लोग जो भी कमांड देना होता है अपने पीसी को, हम यहाँ पे कमांड देते हैं, यानी अपने हम
लिनक्स को ऑपरेटिंग सिस्टम को कमांड देते हैं कि आपको काम क्या करना है और इजीली आप डाउनलोड कर पाएंगे। अगर आप टेक्स्ट यहाँ से कॉपी पेस्ट कर पाए तो मैं लिंक अभी सेंड कर देता हूँ यहाँ पे, या फिर इस आप यूआरएल को देख लीजिए, यहाँ पे इसी यूआरएल को आपको वहाँ पे पेस्ट करना है। ठीक है, जैसे आप पेस्ट करेंगे आप उजली 9.4 जो आपके लेटेस्ट वर्जन है उसको आप डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, तो आज केवल इंट्रोडक्शन था आप लोग का, और कल से हम लोग सभी प्रैक्टिकली देखेंगे रेड हैट के अंदर।